कर रहा हूँ भैया। हाँ मुंबई से चला हूँ मैं, मेरठ जा रहा हूँ घर अपने। आपकी तैयारी के साथ यूनिक लग रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ मतलब यूनिक तो नहीं है, बहुत लोग कर चुके हुए हैं, बहुत लोग करेंगे भी, पर बस यही है कि मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ। तो आप जैसे ग्रुप टूर नहीं करते हो? नहीं जी, मैं अपना सोलो निकलता हूँ, मैं अकेला ही। तो उसमें कैसा क्या आप मेंटेन कैसे करते हो उसको, मतलब टोटल फाइनेंशियली और कब चाहिए? फाइनेंशियली देखिए थोड़ा बहुत कमाई कर लेता हूँ। जॉब आपकी? हाँ, जो मतलब काम करता हूँ मैं मुंबई में। क्या करता हूँ? टीवी में काम करता हूँ। ओके, हाँ, तो वहाँ से जो कमा लेता हूँ वो सारा इस पर लगा देता हूँ। मैं आप क्या चीज़? टीवी में मैं एडिट, आप समझ लीजिए एडिटिंग में काम करता हूँ। पोस्ट प्रोड्यूसर होता है एक, तो वो काम मैं करता मुंबई। हाँ मतलब हाँ, अभी तक अब फाइनली मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस पर ट्रैवलिंग पे फुल टाइम। इससे आप अर्निंग कैसे होगी? इससे देखते हैं, जब होगी तो होगी, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रही है। ऑलरेडी काफ़ी अर्निंग कर चुके हैं? नहीं ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं। बैकग्राउंड ऐसा है कि फाइनेंशियली घर से तो देखिए मैं एक पैसा नहीं लेता, अभी नहीं ले रहा हूँ। बट मतलब आदमी या सीधी बात, आदमी कुछ पाने के लिए मतलब जैसे कि या तो पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए, दो चीज़ के लिए मेहनत करता है। देखिए मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस दुनिया घूमना चाहता हूँ, हर एक चीज़ दुनिया में देखना चाहता हूँ, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मेरी भी इच्छा, पर मालूम कहाँ अटक जाता हूँ मैं? पैसे में। पैसा, पैसे में तो हर कोई अटक जाता है। देखिए मैं भी फाइनेंशियली मैनेज करता हूँ। आइडिया आप मुझे, मतलब हो सकता है मुझे कुछ सीखने को मिला। फाइनेंशियली देखिए मैनेज करना पड़ता बहुत सारी चीज़ें। सो बाइक रेडी है, बैग रेडी है और बांधने के लिए सारा सामान रेडी है। आज मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, सॉरी आज है डे टू, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी, बट आज है डे टू और आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा काम करते हैं। मैं सामान आज बांधते हुए आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे बांधता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं बांधता हूँ। और सेकेंडली एक चीज़ जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बैक एक नहीं करती है, वो क्यों नहीं करती है, या मैं उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ, एक छोटी सी चीज़ मैंने निकाली है वो भी मैं बताऊँगा साथ में। सो फटाफट से सामान बांधते हैं। तो ये मैं ले आया हूँ अपना बैग। तो बैग में मैंने इस साइड पे रोल करके रखा हुआ है योगा मैट, जिससे कि मेरी बैक को, लोअर बैक को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अभी बांधना करते हैं स्टार्ट, बताता हूँ मैं आपको कहाँ से रोप्स डालनी है और अटकानी है। तो ये ली मैंने फर्स्ट रोप, ठीक है, और इसको मैंने डाला है यहाँ पर, और इसको यहाँ से लेकर हम साइडवेज लेकर जाएंगे। और ये यहाँ पर फिर इसको ऐसे अटका दिया। तो ये स्टार्ट करा मैंने यहाँ से, और यहाँ से जाती हुई रोप सीधा इधर से गई, इधर से बाहर आई और वापस यहाँ से साइड से अंदर। सेम ऐसे ही करेंगे दूसरी रोप के साथ, फटाक से दिखा देता हूँ वो कैसे करते हैं। तो बज रहे हैं 6 और हम निकल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो आज है डे 2 और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरर सौरभ। ये है सीरीज़ 2 मुंबई टू मेरठ और मैं उल्टा जा रहा हूं। वेरी गुड, थैंक यू गूगल। तो हम निकल पड़े हैं आगरा के लिए और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मोस्ट प्रोबेबली हम कल सुबह 5 या 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। कुछ 11 घंटे 2 मिनट की राइड है, 593 किलोमीटर्स एग्जैक्टली यहां से मेरे स्टे तक। मैंने ऑलरेडी स्टे बुक कर लिया है आगरा में, और यहाँ के स्टे के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, फिर उन भैया के बारे में बात करेंगे जिनका मैंने नाम भी नहीं पूछा, सॉरी।
तो बात करते हैं यहाँ के स्टे के बारे में। ओके, यहाँ पे मैं रुका था अतिथि विला या अतीत विला जो भी था वो। सो 600 के आसपास का मेरे को वो रूम मिला था विच इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट मैंने 3 बजे लिया एंड ये काफ़ी जेनरस थे, इन्होंने स्टिल मेरे को ब्रेकफास्ट दे दिया, ठीक है। और तो बेसिकली मैंने ओयो में फ़ोन करके बोला कि मेरे को 5 बजे चेकआउट करना है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, 5 बजे चेकआउट कर लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 30% ऑफ देयर करंट प्राइस, आज के हिसाब से आज का इनका प्राइस, और ये प्राइस इनका ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज इनके जो फ़ोन पे प्राइस दिखा रहा था वो दिखा रहा था 900 रुपीज़, 999 दिखा रहा था प्राइस, उसका 30% 299 इन्होंने मुझसे लिया, ठीक है। और तो बेसिकली टोटल मेरे को पड़ गया 900 रुपये, 1.5 दिन लगभग रुकने, 1.5 दिन की बुकिंग का लगभग, ठीक है। और शाम का निकलने का मेरा रीज़न मेन यही था कि देखो धूप बहुत कम हो चुकी हुई है, ठीक है। कल मेरे दिन में सारी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, मैं रात को जो मतलब आते ही मैं क्रैश हो गया था, लिटरली क्रैश हो गया था मैं। तो चलो उन पे आ जाते हैं अब भैया पे। सो चलते चलते उनसे बातें होने लगी, उन्होंने देखा, वो खुद को रोक नहीं पाए, देख के सब जैकेट वैकेट और ये वो देख के सबको लगता है हाँ यार राइडर आदमी है, ये तो खूब लाइक यू नो मतलब पैसे पूसे लगा के काम कर रहा है और ये सब कर रहा है, और वो सही बात भी ठीक है। हाँ यस, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दिस, बट ये देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा पैशन है, ठीक है। मैं सबको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, उससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, और मुझे कोई पैसा अभी तक मिल भी नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर कट बता रहा हूँ। जो भी मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ दैट इज़ माई ओन पर्सनल सेविंग्स, जो मैंने इतने सालों तक जी तोड़ मेहनत कर कर के, वो जो मैंने मुंबई का नाइट लाइफ दिखाई थी ना, वो नाइट लाइफ मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, ये उसी का ही नतीजा है। ऑल दिस मनी हैज़ कम फ्रॉम माई वर्क इन द टीवी इंडस्ट्री, थैंक यू रियलिटी टेलीविजन इंडस्ट्री। खैर देखो, करना हर कोई चाहता है ये काम, ठीक है, बट लोग इसके हार्डशिप्स नहीं समझते, लोग इसकी यू नो बहुत छोटी छोटी और बहुत ये मेजर चीज़ें होती हैं जो लोग इसमें देखते नहीं हैं, सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही आसान काम है, हम भी कर सकते थे, अरे इसमें क्या है, घूमना ही तो है, बॉस घूमना आसान नहीं है, स्पेशली बाइक पे यू नो वाट लग जाती है। ये तो बैक वैक का चलो मेरे को सपोर्ट इससे मिल जाता है, योगा मैट से और वो सब से, बट स्टिल इतनी बुरी हालत तब भी हो जाती है, 600-600 किलोमीटर चलाना एक दिन में आसान नहीं है। कल भी मैंने आई थिंक 637-38-40 किलोमीटर, मतलब वही 650 किलोमीटर के आसपास कर लिया था उज्जैन तक, तो बहुत होता है यार इतना इतना चलाना, और आसान नहीं होता है, एंड बहुत पैसा इसमें लगता है ऑब्वियसली। कल मैंने आई थिंक 3 बार टैंक फुल कराया है, और अभी फिर गाड़ी रिजर्व में आ गई है, तो एक बार टैंक फुल कराने का मतलब 800-900 हज़ार रुपये तक मान लो मोटा मोटी, जब रिज़र्व में आई होती है गाड़ी उसके बाद। तो सोच लो कल मैंने कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया है, कितना खर्चा हुआ है, और फिर होटल का लगा लो, फिर खाने पीने का लगा लो, यू नो तो हो जाते हैं खर्चे। बट अगर आप पैशनेट हो तो मैं कहता हूँ आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं से फाइनेंसेस मैनेज करोगे, आप कुछ भी करोगे, ठीक है। जो आपने लाइक यू नो लोग बहुत सारी चीज़ों पे फिजूल खर्ची करते हैं मैं बोलता हूँ, तो आप ये सब करना चाहते हो, या फिर आप पैसे वो सारे सेव करके यू नो अपनी लाइफ की ड्रीम्स एक्चुअल एस्पिरेशंस पूरे करना चाहते हो,